नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। प्रकाश आईटीआई सांगानेर रोड सेतु पुलिया। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की ये दूसरी क्लास है। अल्टरनेटर की जो फर्स्ट क्लास के अंदर उसकी बेसिक नॉलेज, अल्टरनेटर होता क्या है, किस उसकी संरचना किसके समान है किसके समान नहीं है, अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है क्या नहीं होता है, वह उसके उपकरण कौन कौन से होते हैं, वह कल अपन ने पढ़े थे। लेकिन थोड़ी इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत कल वाली डिटेल देता हूँ आपको। जो आपने कल क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर दूँ तो इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आनंद ले पाएंगे आप। तो अपन ने पढ़ा था अल्टरनेटर होता क्या है, अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है। अल्टरनेटर का कार्य होता है कि इस मशीन, अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है, बिजली का उत्पादन करना। क्या? बिजली का उत्पादन करना। यदि बिजली या विद्युत धारा दो प्रकार की होती थी, एक तो एसी एक डीसी। यदि एसी पैदा करता है या एसी उत्पन्न करता है तो अल्टरनेटर कहलाता है, यदि डीसी उत्पन्न करता है तो जनरेटर कहलाता है। इसी प्रकार किसी मशीन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, एसी प्रकार। किस प्रकार की, एसी प्रकार की। और अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। यह माइकल फैराडे ने क्या कहा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है या गतिमान किया जाता है तो उस चालक में भी क्या हो जाता है, विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अल्टरनेटर का रोटेटिंग भाग होता है, अल्टरनेटर का रोटेटिंग भाग घूमता है और विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार अल्टरनेटर फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब अल्टरनेटर के मौलिक आवश्यकता है, एक तो सर्वप्रथम उसकी बॉडी, उसकी संरचना। क्या? बॉडी। अब बॉडी किस धातु की बनाई जाती है, बॉडी का कार्य क्या होता है। बॉडी मशीन की क्षमता के आधार पर बनाई जाती है। यदि मशीन ज़्यादा क्षमता की है, क्या मशीन ज़्यादा क्षमता की है, तो मशीन की बॉडी कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। बड़ी मशीन कास्ट स्टील, छोटी मशीन कास्ट आयरन। किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। मशीन की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है, दो धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, एक तो कास्ट स्टील से, कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील से। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगी, क्या दोनों मिलेंगी, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। ऑप्शन आएगा आपके पास में क्वेश्चन, मशीन की बॉडी अधिकतर बनाई जाती है कास्ट आयरन व कास्ट स्टील से, ऑप्शन कास्ट स्टील, ऑप्शन कास्ट आयरन, या सभी, या उपरोक्त दोनों, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। तो ऑप्शन में क्या होगा, दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि मिलकर तो दोनों से बनाई जाती है। अब उसकी क्षमता मशीन की क्षमता पर निर्भर करेगी, मशीन आगे किस क्षमता की है, ज़्यादा क्षमता की है या कम क्षमता की है, तो इसी हिसाब से इसकी धातु को यूज में लिया जाता है इस प्रकार। और इसका बॉडी का कार्य क्या होता है, बॉडी का कार्य होता है कि मशीन के जो आंतरिक भाग होंगे, मशीन के जो अंदर वाले भाग होंगे, मान लो ये रोटर है, रोटर पर वाइंडिंग है और स्टेटर पर भी वाइंडिंग है। यदि इस वाइंडिंग को आप खुला छोड़ते हो, क्या खुला छोड़ते हो, तो ये आपस में भिड़ने में या कुछ इस पर झटका लगने में, आप छूने पर या करंट लगने में खतरा रहता है, या अन्य सामान्य पार्ट्स, इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहरी आवरण क्या कहलाता है, बॉडी। ये आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कार्य होता है जो ये फील्ड वाइंडिंगों में से बढ़ने वाला मैग्नेट, इनको रास्ता प्रदान करता है, क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है। यदि इन फील्ड वाइंडिंग को खुले भागों पर रखा जाता है तो इनके अंदर जो बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा,
वितरित यानी फैला हुआ होगा। यदि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र फैलेगा तो अधिक मात्रा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कमज़ोर होगा, क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो मशीन की रोटेटिंग क्या होगी, कम होगी, यानी मशीन कितनी स्पीड में घूमेगी, बिल्कुल नगण्य यानी कम स्पीड पर। यदि इसका बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा तो मशीन की स्पीड भी क्या होगी, मजबूत होगी यानी ज़्यादा होगा, क्या होगा, मशीन की स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार ये बॉडी के दो कार्य हैं, एक तो कार्य है मशीन के सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा कार्य चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना। समझ में आया बॉडी। उसके बाद में था अगला स्टेटर, क्या स्टेटर। अब स्टेटर होता क्या है साहब, स्टेटर अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेटर। अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग क्या, स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेटर। क्या कहलाता है, स्टेटर। स्टेटर इस स्टेटर के आंतरिक भाग पर क्या कटे होते हैं, इस स्टेटर के आंतरिक भाग पर क्या बनी होती है, आर्मेचर कोर। क्या होती है, आर्मेचर कोर। क्या होती है, आर्मेचर कोर या कोर। यह आर्मेचर कोर किस धातु से बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। किसकी, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, यानी कि जो स्थिर रहने वाला भाग, अल्टरनेटर का स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेटर। स्टेटर पर क्या होती है, आर्मेचर कोर होती है। स्टेटर के आंतरिक भाग पर स्टेटर के आंतरिक भाग पर क्या होती है, आर्मेचर क्रोड। ये आर्मेचर क्रोड किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से द्वारा। किसके द्वारा बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। आर्मेचर क्रोड पर क्या कटे होते हैं, स्लॉट। क्या कटे होते हैं, स्लॉट। क्या कटे होते हैं, स्लॉट। अब स्लॉट होते हैं कितने प्रकार के, सामान्यतः स्लॉट होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला खुला, दूसरा बंद, तीसरा अर्धबंद। आर्मेचर क्रोड पर किस स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट होते हैं कितने प्रकार के, सामान्यतः स्लॉट होते हैं तीन प्रकार के, खुला, बंद और अर्धबंद। लेकिन आप मशीन कौन सी यूज में ले रहे हैं, एसी। तो एसी मशीन के अंदर सामान्यतः किस प्रकार के स्लॉट काम में लेते हैं, खुले प्रकार के। खुले प्रकार के क्यों लेते हैं, क्योंकि जो वाइंडिंग की जाती है आसानी से निकाली जा सकती है, आसानी से स्थापित की जाती है। तो यानी कि खुला प्रकार का स्लॉट प्रयोग में लेते हैं। तो आर्मेचर कोर पर किस प्रकार के खांचे कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, खुले प्रकार के। इन खुले प्रकार के स्लॉटों के मध्य किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, अल्टरनेटर के स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग।